चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले तमाम वीडियो आसानी आपको मिल सके। अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जब मैं आपको अमल बताने लगी हूँ किसी को भी ताबे करने का, अगर आपका कोई प्यारा आपसे नाराज़ है या रूठ गया है या कोई इतनी तकलीफ़ में है कि वो अपने प्यारे को पाने के लिए इतना बेचैन, इतना बेकरार है और उसके नाराज़ होने की वजह से वो उसको भुला नहीं सकता या वो चाहता है कि उस तक हमारा ये जो पैगाम है वो पहुँच जाए या जो हम उनके लिए दुआ करते हैं उनके दिल तक ये पहुँच जाए, तो आज मैं दिलों को आपस में मिलाने का एक ख़ास अमल आपको बताऊँगी, वो आप करें। जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोहे को जंग लग जाता है और जंग जो सा है, जब लोहे को जंग लगता है तो उसको आग में डाल दिया जाए तो उसका जंग साफ़ हो जाता है। इसी तरह दिलों को जंग लग जाता है और दिलों को जो जंग लगता है उसको साफ़ करने के लिए हमें कलमा तैयबा यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने की ज़रूरत होती है। आज मैं आपको इसी का अमल एक बताऊंगी, आप एक दफ़ा ज़रूर कीजिएगा। दिन इतवार का याद रखें, दिन इतवार का हो और वक्त मगरिब का मगरिब की नमाज के बाद ये आप अमल कर सकते हैं। अब आपने पढ़ना कैसे है, सबसे पहले लफ्ज़ है या वदूदो तीन मरतबा हम पढ़ेंगे, ठीक है। या वदूदो बीच में आप नाम लेंगे, किसके लिए अमल कर रहे हैं उसका सिर्फ नाम लेंगे, जिसके लिए अमल कर रहे हैं उसका सिर्फ नाम लेंगे, फिर हम पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ठीक है। ये आवाज़ दिल तक पहुँचाने की है, ठीक है। आपने नाम लिया, आपने अल्लाह की मोहब्बत को याद किया या वदूदू से अल्लाह को पुकारा और उसके बाद आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा, क्योंकि हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, ठीक है। और जब ये आवाज़ आप मतलब के सदा लगाएंगे, ठीक है, मगरिब की नमाज के बाद आपने ये पढ़ना है और फिर आप दुआ करें कि या अल्लाह जिस मकसद के लिए मैं अमल कर रहा हूँ उसको पूरा करें और मेरा ये पैगाम जो है मेरे उस प्यारे तक पहुँचा दें। ये दिलों को साफ़ करने के लिए पढ़ा गया था, आज ये दिल की आवाज़ दिल तक पहुँचाने के लिए मैंने पढ़ा है, तो मेरी दुआ को कबूल कर लें। आप ये सिर्फ 2 से 3 दिन आप ये अमल करके देखें, आप खुद हैरान रह जाएंगे इसकी ताकत। आप अल्लाह के कलाम की कसम मैं देती हूँ, आपको अल्लाह के कलाम पर यकीन होना चाहिए, पुख्ता कामिल यकीन होना चाहिए और फिर देखें। आप एक दफ़ा ये अमल कीजिएगा, इसी के साथ अपनी बहन को इजाज़त दें, छोटा सा ये अमल है और एक दफ़ा ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अगर कोई मसला कोई परेशानी है तो ज़रूर याद रखें और इंशाल्लाह जैसे आपको समझाया जाए, अपना नाम, अपनी वालदा का नाम और जिस जगह आप रहते हैं उस जगह का नाम आप ज़रूर बताएँ और इंशाल्लाह आपकी मदद भी की जाएगी। जज़ाकल्लाह खैरा।